हेलो दोस्तों, मैं करण सोन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा कैसे आप इंडिया टीम तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, जो प्रोसेस है उस पर बात करूँगा। देखो सबसे पहले आपको अंडर 16 खेलना होगा। अब मैं आपको बता दूँ अंडर 16 सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको लोकल टूर्नामेंट्स खेलना होगा, फिर स्कूल क्रिकेट, फिर आप अंडर 16 सिलेक्शन ट्रायल देंगे। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आपको सिलेक्टर अंडर 16 टीम में सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही आप जिस भी एज ग्रुप में हैं उसके ट्रायल दो, अंडर 14 के हो तो अंडर 14 के दो, या अंडर 16 या अंडर 19 या अंडर 23, सबका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे ही सेम है। इसके बाद आता है रणजी ट्रॉफी। अगर आप अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी या इंडिया अंडर 19 के लिए होगा। फिर आपको दिलीप ट्रॉफी, देवगढ़ ट्रॉफी, इंडिया अंडर 19, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी में आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो आपका सिलेक्शन इंडिया ए में होगा। फिर यहां से आपका सिलेक्शन आईपीएल और चैलेंजर ट्रॉफी में सिलेक्शन होगा। अगर आपका यहां पे अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो आपका सिलेक्शन इंडिया टीम के लिए होगा। दोस्तों यह था इंडिया टीम में सिलेक्ट होने का प्रोसेस। दोस्तों रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, कभी आप सिलेक्ट होंगे कभी नहीं, लेकिन हार नहीं माननी है। इसके लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।